एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद एटा के ब्लॉक मरहरा में स्थित चाठी रफीपुर गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 3 किलोमीटर है तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 16 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने अनीता यादव को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 5500 की आबादी एवं 3500 वोटरों वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में 750 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 675 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 42 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा खराब हैंडपंप बोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 45 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर व 28 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 4 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली व पुलिया का निर्माण कराया है। साथ ही वर्तमान प्रधान के देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 250 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, आंगनबाड़ी केंद्र, गौशाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। चाठी रविपुर से प्रधानपति महाराज जिला एटा पंचायत चाठी रविपुर 4 रोड इंटरलॉकिंग कराई है, 250-300 के लगभग शौचालय बनाए हैं, 4 प्राइमरी स्कूलों में है पत्थर टाइल्स लगाया हुआ है, मनरेगा के अंतर्गत कई रोड चक रोड बनवाए हैं, नाली खुदाई कार्य कई कराए हैं और मेरे यहाँ लगभग 17-18 कार योजना शुरू हो गई है। अब जो भी इसके कार्यगत अंतर है उसके कार्य कराए जाएंगे। बाकी हमारे यहाँ 2.5 साल लगभग सरकार को उसको हो गई, हमारे यहाँ कोई प्रधानमंत्री आवास आया नहीं है। हमने मांग भी की है 40-42 आवासों की और अभी तक तो कोई आवास मिला ही नहीं है। कहूँगा कि मेरे यहाँ अंत्येष्टि के लिए थोड़ी जगह की समस्या भी है और जगह बंजर पड़ी भी है, वहाँ उनका अनुमोदन कर दिया जाए और अंत्येष्टि के लिए 25 लाख रुपया मंजूर कर दिया जाए सरकार की। और जो हमारे ज़िले में इंटरलॉकिंग पर जो रोक लगी हुई है हमारे डीएम साहब ने लगा दी है, हालांकि मैंने देखा है कई जगह कई ज़िलों में बात की है, हर ज़िलों में इंटरलॉक कार शुरू हो रही हैं, 4 इंटरलॉक गलियां बढ़ रही हैं, हमारे ज़िले में इंटरलॉक नहीं रोक लगी है, उस रोक को हटाया जाए।